दोस्तों, तमाम बार आप लोगों ने काठिया बाबा के नाम सुने होंगे। आज मैं आप सबको साक्षात काठिया बाबा के दर्शन करा रहा हूं और काठिया बाबा कैसे काठ को धारण करते हैं और फिर कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्या क्या उनकी परंपरा होती है और काठ को धारण करने के बाद कितने जीवन तक या कितने वर्ष तक वो काठ को धारण कर सकते हैं, रह सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। आप सबको पहले दर्शन कराऊंगा काठिया बाबा। हमारे साथ देखिए कई काठिया बाबा बैठे हुए हैं और सभी बाबाओं से मैं आशीर्वाद लूंगा क्योंकि आपकी जो परंपरा है वो इतनी कठिन है, इतनी कठोर है, यानी आप तपस्वी हैं, सच्चे तपस्वी और सच्चे साधक हैं। महाराज जी, ये कई साल से आपने धारण किया है? ये 25 साल हो गई। 25 साल? हाँ। तो इसे क्या लंगोट कहते हैं? हाँ, लंगोट है। ये पहले बांधा ये है, मैदा लंगोटी है जी। ये लंगोट है? हाँ, लंगोटी है। तो इसे 25 साल से धारण किया हुआ है? 25 साल से धारण। तो जैसे स्नान करते हैं वो करते तो उतारते? नहीं उतारते, नहीं उतारते ही नहीं, कपड़े लंगोटी नहीं लगाते हम। नहीं, तो ये काट धारण करने का क्या मूल कारण है महाराज जी? भजन होना चाहिए, भजन भजन होना चाहिए। भजन नहीं, तो भजन तो ऐसे भी सभी करते हैं। साधना अलग अलग साधना होती है, अलग अलग साधना होती है। रात में निंद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आती। नींद नहीं आई तो अच्छा भजन होगा जी, यानी कार्ड पहनने से तकलीफ होगी, नींद नहीं आएगी तो भजन होगा। तकलीफ नहीं होती, कुछ तकलीफ मतलब आप अपने को तकलीफ नहीं मानते? अगर हम मनुष्य जीवन है तो हम मानेंगे, संत तो इसे आशीर्वाद मानते हैं। जैसे आपको पत्थर गड़ जाए तो आपको तकलीफ हो जाए, हम कुछ तकलीफ नहीं होती, आपको कुछ नहीं तकलीफ होती है। अच्छा, ये भक्ति का एक मार्ग है? हाँ, सब ठाकुर जी की कृपा से होता है सब जी। जैसे कुंती ने भी कहा था, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा था कि हमको दुख दो, दुख दो, यानी दुख में कष्ट में भगवान को याद कर दे, तो हमारी भक्ति जो है बस वो ना रुके जी जी। तो इसलिए काठ को धारण कर लिया। तो ये काठ जो है यहाँ से आ गई और इसके बाद ये देखिए कैसे मोटी काठ है, देखिए। और ये वास्तव में ये इतनी कठिन साधना है महाराज जी की कि आप ये देख सकते हैं कि पूरी मोटी काठ है और काठ को पहनने के बाद जो है इन्हें रात में सोने में तकलीफ होती है। मतलब मैं तकलीफ नहीं कहूँगा, महाराज जी नाराज हो जाएंगे, और महाराज जी ने कहा है कि मनुष्य को तकलीफ हो सकती, संत को नहीं। तो उसके बाद वो जो है भगवत भजन में लीन हो जाते हैं। देखिए अब मूल तत्व क्या है, मूल ज्ञान क्या है, महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी प्रणाम। मेरी श्री राधे। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि आपसे नाम पूछूं क्योंकि संत का ज्ञान ही पूछना है, तो अब मैं संत का ज्ञान पूछूंगा। महाराज जी क्या है काठ की परंपरा, क्या है? देखिए काठिया बाबा परंपरा जो चली आ रही है वो निम्बार्क संप्रदाय से है, पुरानी गादी है, सबसे हंस भगवान से, हंस भगवान से बहुत 5000 वर्ष पुरानी गादी है निम्बार्क चार से। बीच में काठ कोपिन प्रवर्तक श्री देवदास जी महाराज ने ये काठिया संप्रदाय चलाया है। काठ कोपिन का जो पहनते हैं, काठ इसलिए पहनते हैं, काठ पहनेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो भजन होगा। शरीर भजन के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। जी जी जी। भोग भोगने को तो सभी जीव चौरा जिला की योनियों में भोग रहे हैं, आप देख रहे हो जी, लेकिन मनुष्य शरीर भजन के लिए जी जी, तो इसलिए भजन के लिए जी, भजन तो के लिए। आपने भी धारण किया महाराज जी अभी? जी, मेरा हरिद्वार में हो जाएगा। हरिद्वार में करेंगे जी। तो अभी उम्र कितनी है महाराज जी? 24 तो 24 साल में आप काठ धारण कर लेंगे और फिर ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? और मेरे महाराज जी ने तो 16 वर्ष की उम्र में किया था काठ धारण, और मेरे गुरु भाई हैं, किसी ने 14 वर्ष की उम्र में, किसी ने 15, क्योंकि लोग बाग बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए जी, जवानी में क्या करते हैं जी, तो भजन के लिए बुढ़ापा नहीं होता, जवानी में ही भजन होता जी जी जी। तो 24 साल में तो महाराज जी, आजकल मैं दुनिया में देख रहा हूँ लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं और बूम बूम वाली बाइक चलाते हैं तमाम, लेकिन आपने 24 साल तो अपने संस्कारों के अनुसार जन्म होता है जी। मैं आपको बताऊँ संस्कार, जिसका जैसा संस्कार होगा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन की नाश है विघ्न अनेक जी। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जन्म होता है, जिसने जैसा कर्म किया है वही प्रारब्ध में जी। तो महाराज जी गृहस्थ आश्रम जो है उसको भी संत का आश्रम बताया गया कि सबसे बड़ा आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थों से ही आश्रम चल रहे हैं, खालसा चल रहे हैं, साधुओं का, साधु कोई नौकरी करने तो जाते नहीं, सब गृहस्थों से चल रहे हैं, लेकिन गृहस्थियों में थोड़ी उलझन होती है, उलझन होती है थोड़ी थोड़ी, और इसीलिए सन्यासी का। तो बचपन से ही आप सन्यासी की तरफ आ गए? हाँ, वो तो ठाकुर जी में जिसकी लगन लग गई उसका फिर संसार में लगन नहीं लगती, नहीं लगती। और ब्रजभूमि तो संतों की भूमि जी जी, यहाँ कणकण में तो ठाकुर जी की भूमि है, किशोरी जी की भूमि है, कणकण में श्री राधा है जी, जी। तो इसलिए फिर अब पूरा विरक्त हो गए और संत परंपरा में ही अपना जीवन व्यतीत किया।
महाराज जी देखिए 24 साल के हैं, मैं अपने दर्शकों से माफ़ी मांगूंगा, महाराज जी की उम्र इसलिए मैंने बताई कि इनके चेहरे पर तेज कितना लग रहा है, और उन्होंने बता दिया है कि अब हरिद्वार में आप भी जो है काट को धारण करेंगे और 24 साल की उम्र के बाद वो फिर जो है इसी तरह का जीवन व्यतीत करेंगे। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। ये परंपरा क्या है काठिया बाबा की? महाराज जी पहले जो काठिया बाबा थे वो उनका नाम बताइए। श्री श्री रामदास जी काठिया बाबा, उन्होंने पहले काठ धारण किया था। अच्छा, फिर उसके बाद में संत दास जी, उसके बाद में फिर धनंजय दास जी जी, इसके बाद में हमारी परंपरा बढ़ती चली गई जी। तो हमारे जो गुरु जी हैं श्री हरिप्रसन्न दास जी, तो मूल फिर काठिया बाबा, काठिया महाराज जी। तो मूल जो कारण है काठ धारण करने का कि भक्ति करना तो ही मरे, इससे क्या है जो निद्रा नहीं आती है, तो भजन ज्यादा होता है, ज्यादा ज्यादा भगवान के अकाउंट में पैसा, मतलब भगवत भजन का पैसा आप जो है करते हैं जी। आपने कई साल से महाराज जी धारण किया है? 35 साल हो गए। 35 साल में कभी नहीं उतारा? नहीं, तो अब अभ्यास हो गया जी धीरे धीरे जी। तो अब महाराज जी ये मतलब जीवन भर ऐसे रहेगा? हाँ, जब तक मतलब शरीर चलता रहेगा जी। तो महाराज जी भक्ति के तो बड़े साधन हैं, ऐसा नहीं आप यमुना जी के किनारे बैठ जाइए, गंगा जी के किनारे बैठ जाइए, भगवत भजन करते रहिए है। जब अपने अंदर शक्ति है तो कहाँ बाहर की शक्ति। परंपरा चली आ रही है ना हमारी परंपरा, तो जिस परंपरा से आप जुड़े हैं उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। महाराज जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही है कि परंपरा हमारी जुड़ी आई है और काठिया बाबा के से की परंपरा से वो जुड़े, काठ की परंपरा से जुड़े, तो इसलिए उन्होंने धारण किया और उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। हमारे साथ और महाराज जी हैं। महाराज जी प्रणाम, क्या नाम है महाराज जी? चरणदास जी। पहली गलती मेरी ये कि नाम पूछा, संतों का नाम नहीं पूछना चाहिए, संतों से ज्ञान पूछना चाहिए। तो अब ज्ञान की बातें हमारी और आपकी होगी। महाराज जी ये आपने कई साल से धारण किया है? 2016 से। तो कैसे मन में आ गया कि हम काठ धारण करने? गुरु महाराज देते हैं। गुरु महाराज जी, तो गुरु महाराज जी के सानिध्य में कैसे आए? ये तो आए थे घर से यहाँ पर अपने आप। तो महाराज जी भक्ति का जैसे है, भक्ति की बात आती है, तो मैं तो जीन्स में और पैंट शर्ट में भी राधे राधे कर लेता हूँ, तो ऐसे साधारण फिर इतना कठिन मतलब ये संकल्प क्यों लेते हैं? ये संकल्प गुरु जी महाराज देते हैं ना, गुरु भजन के लिए जी, भजन करने के लिए जी महाराज ये काट देते हैं जी। निंदा ना जी। तो कितने ऐसे काट के को धारण करने वाले संत होंगे आपके आश्रम से जुड़े हुए? करीब करीब कितने हैं? 8-7 हैं। 8-7 हैं जो काट का को धारण किए। हाँ। और वो जब क्या गांव में भी जाते हैं और जगहों पर भी जाते हैं? सब राय जाते हैं सब। तो वो क्या क्या मतलब प्रवचन देते हैं, क्या बातें बताते हैं? ठाकुर जी की भक्ति के बारे में, ये ठाकुर जी की भक्ति करो, भजन करो जी, कीर्तन करो जी, उसी का संदेश देते हैं जी। तो ये कैसे बनती है काट, कैसे बनाते हैं, कितने साल में बन? मिस्त्री बनाता है, मिस्त्री, उसको ऑर्डर देना पड़ता है, तो इसके लिए भी ऑर्डर। अच्छा, ये काट की इसको हम लंगोटी कहते हैं, लंगोट को धारण करते हैं, और ये कभी नहीं उतरने वाली है जब तक जीवन में संकल्प ले लिया है, तो संकल्प तक रहेगा। तो भारत की जो धरती है, संतों की जो धरती है, हमारे जो साधु हैं, उन सब की ने ही इस धरती को तपोभूमि बनाया है, और इसीलिए इन्हें तपस्वी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें साधक कहा जाता है, और इन्हीं लोगों के कारण हमारी धरती, हमारा देश महान बना हुआ है। एक बार फिर जो है हम काट को दिखाएंगे बाबा जी से, महाराज जी को, एक महाराज जी बाबा जी हैं इधर, ये महाराज जी बाबा जी हैं इधर भी, जरा सा दिखाइएगा, एक इधर बाबा जी महाराज जी हैं इधर भी, देखिएगा कि काट को करके, और बड़े ही आराम से ऐसे महाराज जी बाबा जी बैठे हुए हैं, ऐसे हम एसी में भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे। यही एक साधना होती है, अगर महाराज जी के ऊपर बारिश भी आ जाए, अग्नि भी बहुत तपे और कड़ाके की ठंड भी हो, तो कोई असर ना हो, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने शरीर को तपाया है, और इसीलिए आप तपस्वी हैं। तो मैंने आप सबको दिखाया काठ बाबा की परंपरा है, और आप देख रहे होंगे कि कितने उनके चेहरे पर तेज है, और उनके चेहरे पे माथे पर कितना प्रकाश नज़र आ रहा है। यही भारत इसीलिए महान है, हमारे संतों से, हमारे महात्माओं से, हमारे साधु संतों।